कुशल संचालन कर रहे हमारे भाई उत्तम सिंह परिहार जी। सर्वप्रथम मैं इस ग्राम की मिट्टी को प्रणाम करते हुए माँ जगत जननी जगदम्बे मैया को नमन करते हुए, भागवत पीठ के व्यास को नमन करते हुए, श्रीमद् भागवत गीता को नमन करते हुए आज यहाँ पर उपस्थित इस मंच पे जो मध्य प्रदेश से चलकर आए हैं, हमारे ललितपुर उत्तर प्रदेश से ही चलकर आए हैं हमारे कलाकार, और ऐसे नहीं ये लोकप्रिय कलाकार कहे जाते हैं, और इनकी डिमांड दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। हर जगह जय सिंह, हर जगह पूरे क्षेत्र में, पिछली साल किसी कारणवश नहीं आ पाए थे तो सब लोग क्षेत्र वाले यही कह रहे थे कि भाई जय सिंह राजा को बुलाना, तो इस बार आप सब लोगों के सहयोग से जय सिंह राजा जी आपके बीच में है, और ये लोकप्रिय गायक है और सभी लोगों के हृदय और दिल में बसने वाले हैं। ऐसे हमारे जय सिंह राजा जी को मैं प्रणाम करता हूं और नमस्कार करता हूं कि आप हमारे बीच में उपस्थित हैं। आपके साथ आए हुए सभी कलाकार सभी को हमारा प्रणाम। हमारे साथ मंच पे उपस्थित जराखा से चल के आए प्रताप भैया जी, रितेश बाबू भैया जी, अक्षय यादव, और सम्मानित मंच यहाँ पर उपस्थित आसपास अगल बगल क्षेत्र से जो भी सभी हमारे बुजुर्ग जन आए हैं उनको हमारा प्रणाम, और जो हमारे भाई हैं उनको हमारा नमस्कार, और समस्त ग्रामवासियों के अटूट मेहनत और 7 दिन से सभी के सहयोग से आज इस अंतिम दिन का कार्यक्रम सफल होने जा रहा है। हमें आशा है कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी और आगे भी ये कार्यक्रम चलता रहेगा। आप सभी क्षेत्रवासियों का, ग्रामवासियों के सहयोग से, अकेला मैं कुछ नहीं कर सकता, सभी के सहयोग से ये बड़े काम है होते हैं। मैं तो हमेशा ही, अभी समस्त क्षेत्र के लोग तो होंगे ही होंगे, वो सब जानते भी होंगे कि मैं जिस, आप लोगों ने हमें जो सम्मान दिया उसका मैं ऋणी हूँ, वो आजीवन रहूंगा, इसमें कोई शक नहीं है। और जब भी जहां जरूरत पड़ती है तो जो भी फोन करता है उसी टाइम, सिर्फ रास्ते का समय देख लीजिए, हम वहां हाजिर होते हैं। अगर किसी कारणवश हम बाहर हैं तो कुछ भी कह लो, नहीं तो मैं अब 100% ये प्रयास करता हूं कि जो आप लोगों ने हमें सम्मान दिया, हमें जिताने का काम किया, तो मैं प्रयास ये करता हूँ कि आपके सुख में, आपके दुख में हर वक्त आपके यहाँ पर मौजूद रहूँ, यही हमारा प्रयास है और ये आगे भी जारी रहेगा, और जिस लायक रहेंगे उस लायक आप सबकी मदद भी करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। राजा भैया अपने कलाकारों को कह दे के थोड़ा सा साज का आ गए हमारे बैंजू वादक आ गए, बड़ा एक बार आप तालियां बजा दे, क्योंकि ये बहुत अच्छे गायक भी हैं और बहुत ही अच्छे दिवाली खेलने वाले कलाकार भी हैं। अगर अगर के आपके पास दिवाली का वो हो तो ये यूट्यूब पर देखिए, राम सजीवन के नाम से दिवाली पड़ी है, तो आप इस बुंदेलखंडी धरा में और बुंदेली धरा के इस कार्यक्रम में आप लोकगीत या गीत जो भी आपको अच्छा लगे सुनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जो बताओ, अब तो तुम उन्होंने हमें चक्कर में डाल दो, काय से के समस्या जो है कि आज दिन भर बहुत रह परेशान मामा का, पता है 6 बजे तो गए हैं, हमें कछु देख ले तो कछु आ जाए मिल जाए हमें। ओए कछु नहीं मिल रहा, बोलिए राधे कृष्ण भगवान की जय। देखो आप लोगों के कहने से सुना तो रहे, लेकिन अगर तनक मनक निपट जाए तो फिर कहियो ना कि यार गड़बड़ हो गो। काहे हम रिहर्सल कर ले, रिहर्सल कैसी करी जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। राम नाम जपते रहो,
कभी तो फनक पड़ेगी दीन बंद के कान। तो आप लोगों के बीच में बुंदेली धरा पे एक छोटा सा हमारे उसमें कहते हैं फाग, समझ रहे हो? तो सुनो, अरे बो मानो से बड़े भागी, बो मानो से बड़े भागी, कौन मानो से बड़ भागी? अरे बो मानो से बड़े भागी जी खा, राम नाम धने लागीला, बो मानो से बड़े भागी जी खा, राम नाम धने लागीला। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही अच्छे आप कत्यारी छेकते हैं, तमाम इनके बड़े